सरगुजा जिले के उदयपुर ब्लॉक में स्थित परसा ईस्ट खदान के लिए पेड़ों की कटाई की जा रही है। इस पर आक्रोश जताते हुए दुर्ग शहर युवा कांग्रेस ने तत्काल रोके जाने को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। सरगुजा जिले के उदयपुर ब्लॉक में स्थित परसा ईस्ट केते बासेन कोयला खदान हेतु लगातार पेड़ों की हो रही कटाई पर तत्काल रोक लगाने को लेकर अपना आक्रोश जताते दुर्ग शहर युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव शशांक साहू के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट पहुंच महामहिम राज्यपाल के नाम दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सत्ता में काबिज होते ही भाजपा सरकार अपने चहेते कारपोरेट अदानी के लिए संसाधनों की लूट और आदिवासियों के दमन की कार्रवाई शुरू कर दी है। जंगल में हो रही पेड़ों की कटाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग करते हैं, जिसकी हम कड़ी निंदा भी करते हैं। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों पर हो रहे प्रशासन अत्याचारों पर अंकुश लगाने की मांग करते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे कांग्रेसियों ने नारेबाजी कर अपना आक्रोश जताया। इस संबंध में न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया भी दी। आज हम लोग ने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जिस प्रकार क्या जैसे ही भाजपा की सरकार बनी है और प्रदेश में मुख्यमंत्री जो आदिवासी हैं, आदिवासी की हित के लिए ना ही वो कुछ सोच रहे हैं, ऊपर से वो आदिवासियों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। आप देखेंगे जल जंगल जमीन जो आदिवासी उन पर निर्भर है। आप देखेंगे पिछले हमारे बहुत समय पहले कोविड आया था तो हम ऑक्सीजन पे कितना जूझ रहे थे, यही हमें प्रकृति हमें ऑक्सीजन दे रही थी। और ये इनका अभी तक मैं एक बात बताऊंगा, इनका ना ही मंत्रिमंडल विस्तार होता है ना ही पोर्टफोलियो होता है। इनके पास हसदेव के लिए इनके पास पूरा मतलब ऊपर से नीचे तक इनको एनओसी मिल जाता है। आज से नहीं, जैसी इनकी सरकार बनी है इनका सबसे पहला मुद्दा इनका यही था, ये कॉरपोरेट की सरकार है ना कि अडानी मोदी, ये कुछ नहीं है, सिर्फ कॉरपोरेट को लेके अडानी वहाँ नस्पष्ट, मोदी जी वहाँ नस्पष्ट हो जाते हैं। आज युवा कांग्रेस के द्वारा सन्नी साहू के नेतृत्व में यहाँ पर पूरे युवा कांग्रेसी इकट्ठा हुए हैं और कलेक्टर को ज्ञापन सौंप रहे। ज्ञापन इसलिए कि जब से प्रदेश में जिस दिन से भाजपा की सरकार काबिज हुई है, जनता ने विश्वास किया है विकास के लिए, लेकिन ये विकास नहीं विनाश के लिए ये सरकार बनी, ऐसा प्रतीक हो रहा है। दूसरे दिन से हसदेव बांगो जो बहुत बड़ी परियोजना है और हसदेव बांगो में हजारों की संख्या में पेड़ों को काटा जा रहा है। एक तरफ सरकार बोलती कि पर्यावरण को बढ़ावा देना है, पर्यावरण को बढ़ावा देना है, छत्तीसगढ़ को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, वहीं दूसरी ओर पेड़ की कटाई चालू कर दी गई है। निश्चित ही ये एक संदेश दिया जाता है और इसका सीधा सीधा लाभ अपने उद्योगपति साथियों को पहुंचाने के लिए उनके दिशा निर्देश पर यह काम हो रहा है, जो बहुत ही निंदनीय है। ये छत्तीसगढ़ की धरोहर है, उस धरोहर को हम छिन्न भिन्न नहीं होने देंगे। जब जब इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, हम लोग पर्यावरण बचाने के लिए अभी ज्ञापन देने आए हैं, जरूरत पड़ी तो हम लोग उग आंदोलन भी करेंगे और पेड़ों को कटने से बचाएंगे, पर्यावरण को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग तत्पर हैं। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।